Because the truth is that Modi as Prime Minister has done more for Muslims than he has for Hindus. Let me give you an example and concrete detail and elaborate. Has he taken control of mosques like he has of Hindu temples? No. Has he disbanded the scholarships to Muslim students? No. In fact he has given scholarship to more Muslims than Manmohan Singh did, 2.37 crore versus 2.33 crore. Has he overturned the SC Shabri Mullah judgment to placate Hindus like the Shah Bano judgment was overturned by the Congress to placate Muslims? No. Has he reduced AMU funding? No. In fact, he has increased it, including a 90 crore topping up. Has he abrogated the Place of Worship Act to allow Hindus to legally fight and take control of Kashi and Mathura, their holy of places cruelly demolished by barbarians? No. Has he brought in the UCC? No. Has he repealed the anti Hindu RT? No. Minorities before 2014. 20,000 skill-trained, 5% with government jobs, 3-close scholarship, 70% girls' school dropout rate. Minorities after 2014, 2 million skill-trained, 10% with government jobs. फाइव क्रोर स्कॉलरशिप फ्री यूपीएससी कोचिंग थर्टी परसेंट गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट रेट वेल अवर मुस्लिम पॉपुलेशन इज फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट एज मेनी एज थर्टी वन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ होम अंडर आवास योजना हा गिवन टू मुस्लिम थर्टी थ्री परसेंट ऑफ फंड अंडर किसान सम्मान निधि थर्टी सिक्स परसेंट बेनिफिशियरी अंडर मुद्रा योजना हैपीन मुस्लिम प्रधानमंत्री शादी शगुल स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम गर्ल्स हु कंप्लीट ग्रेजुएशन बिफोर मैरिज दे देफ्टी वन 51,000 हाउसिंग स्किलिंग स्कॉलरशिप गवर्नमेंट जॉब नो अदर प्राइम मिनिस्टर हैज कंपेरेटिवली डर फॉर मुस्लिम डन मोदी नमस्ते मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी डायलॉग्स अब हज़रत अवैसी और उनके चेले चाटे और उनके इस तरह के लोग जो हैं जब वो लगातार ये कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है तो हमारे डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने बहुत सारे आंकड़े दिए ये बताया कि किस तरह से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है किस तरफ़ से उनको विदेश जाने के लिए इस्कॉलरशिप दी जाती है किस तरह से उनको नई मंजिल और उड़ान और तरह तरह के हुनर हाट इत्यादि में उनके जो आर्टिजेंस हैं जो पसमानदा क्लास है उनको दी जाती है और यहाँ तक कि योगी जी ने ये बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी जो हैं वो मुस्लिम हैं यद्यपि उनकी जनसंख्या जो है वो केवल 20 प्रतिशत से कम है उत्तर प्रदेश में तो भाई इस पर भी इनको सबको जो है वो आपत्ति हो रही है तो क्यों हो रही है वो इसलिए हो रही है मैं बताना चाहूँगा उन सब लोगों को कि देखिए हमारे यहाँ जो यानी कि मुसलमानों के यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उल्टा है अब आप देखिए जैसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को ही ले लीजिए अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से जब तक हमारे जो वो सैयद साहब थे ना क्या नाम है उनका आ, शिया सैद साहब थे तो उनका जब भी कोई वक्तव्य आता था तो यही बताता था कि साहब की उन्होंने माइनॉरिटी को कितना क्या कुछ दिया लेकिन माइनॉरिटी से उनका अर्थ केवल मुसलमान होता था क्योंकि माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट मुस्लिम तब अपनाते हैं जब उनको उससे कोई लाभ लेना होता है और विद इन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री यदि आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट बना रखा है यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कुछ भी मिलेगा वो उसको मिलेगा जो वहाँ सबसे बड़ी मेजॉरिटी है यानी यदि विद इन माइनॉरिटीज़ देखा जाए तो विदिन माइनॉरिटीज़ मुसलमानों की संख्या जो है वो नब्बे प्रतिशत से अधिक है लेकिन जो माइनॉरिटी की माइनॉरिटी है उसको वो कुछ नहीं देते जैसे कि आप मैं बताऊं कि ये जो मुख्तार नकवी जो थे इन्होंने क्या किया आपको पता है इनको क्यों हटाया गया इनको इसलिए हटाया गया क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन की चाहे बात हो चाहे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात हो जितने भी फंड्स थे वो सारे के सारे मुसलमानों को एलोकेट कर दिए सिख जैन पारसी इत्यादि इनका कोई ध्यान नहीं रखा तो अब उनको यह करना पड़ा सरकार को कि माइनॉरिटी कमीशन का जो अध्यक्ष है वो भी एक सिख लाना पड़ा और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी मंत्री एक ऐसी महिला को बनाना पड़ा जो कि पारसी से ब्याही हुई है अब जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई मोदी जी ने बहुत कुछ किया है इनके लिए और इनको इतनी सुविधाएं दी हैं वो सब जो है वो ये नहीं जानते कि अंततः मुसलमान चाहता क्या है ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में किस प्रकार से जो मेजॉरिटी थी या जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी उसके अतिरिक्त तो बाकी सबको नकार दिया गया तो भाई मुसलमान कहीं भी यही चाहता है कि चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो जहाँ कहीं वो हो वो केवल वो ही वो हो और जो कुछ भी कार्य जो सरकार है जो कुछ भी जिसको कहते हैं जो मुसलमानों के लिए कार्य किए जाने हैं तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है इसके लिए आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा क्योंकि इस्लाम जो है वो हो इन सब चीज़ों का हिसाब नहीं रखता है कि जीडीपी कितनी बढ़ गई कि किसी की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई कि किसी के घर में डॉक्टर आ गए और इंजीनियर आ गए जैसा कि हेमंत विश्व शर्मा जी कहते हैं कि हम इनको मदरसे नहीं दे के हम इनको इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज देना चाहते हैं या योगी जी कहते हैं कि भाई हम इनको जो है वो पूरे सभी के बराबर लाना चाहते हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है इसके लिए आप डॉक्टर अंबेडकर को आप रेफर कर सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये कहा था अपनी पुस्तक पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया में तब उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि मुस्लिम नेतृत्व के लिए इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है मुस्लिम नेतृत्व के लिए प्रगति का मतलब यही है कि उसके दीन की कितनी प्रगति हुई कि उसको जो उसका जो हड़ है उसका जो फ्लॉक है उसकी जो भेड़े हैं उनको कब्ज़ा करने के लिए यानी कि जो मुल्ला मौलवी हैं उनके उनके ऊपर कब्ज़ा जमाए रखने के लिए कितनी मस्जिदें बनवाई गई कितने मदरसे बनवाए गए और उनको जो है वह किस तरह से अधिक शादियां करने की छूट दी गई और किस तरह से यदि उनके यहाँ कोई जो है वो बलवा करता है या जो क्राइम करता है तो उसको किस तरह से छोड़ दिया गया किस तरह से उनको जिहाद की स्वतंत्रता दी गई क्योंकि इस्लाम का तो ध्येय यही, यही है बड़ी किताब में लिखा है कि इस्लाम तो तब तक पूरा नहीं होता और इस्लाम के रसूल का जो हुक्म है वह पूरा नहीं होता जब तक कि आखिरत ना आ जाए और आखिरत यानी कयामत का दिन ना आ जाए और कयामत का दिन तो तभी आएगा जब बाक़ी सारे जो है वो मुसलमान बन जाएंगे तो इसलिए उनको केवल और केवल एक ही चीज़ से वास्ता है कि जो मुसलमान हैं वो कैसे बने रहें और जो नहीं है वो कैसे बन जाए और अगर ये भी संभव ना हो तो वो कैसे जो है वो उनके हिसाब से चलें उनका हुक्म बजा लाएं जैसा कि आपको ध्यान हो पार्टीशन के पहले हुआ करता था एक प्रकार से हमारे जो गांधी बाबा थे वो यही किया करते थे वो केवल मुसलमानों का हुक्म बजाते रहते थे कभी तो वो खिलाफत वालों का यानी कि हमारे जो मौलाना मोहम्मद अली और जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली या तो उन पर उनका हुक्म बजाते रहते थे उसके बाद फिर बाद में फिर अबुल कलाम आज़ाद साहब का हुक्म बजाते रहे जो कुछ भी वो करते थे वो इससे होता था कि साहब कि इससे मुसलमानों को अपनी दीनी ताकत कैसे बढ़ानी चाहिए कि यहाँ तक कि यदि स्वामी सिद्धानंद जी ने घर वापसियाँ कराई तो फिर वो स्वामी सिद्धानंद जी के विरोध विरोध में हो गए दीन के साथ खड़े हो गए और बाद में भी यदि आप देखें तो वो जैसे भी कभी भी इस प्रकार के कोई जैसे महाशय राजपाल की जब बात हुई तो उस समय भी वो दीन के साथ खड़े मिले तो जो मुसलमान जो चाहता है मोदी जी आप पहले उसको समझें मोदी जी आप पूरी तरह से दीन के साथ खड़े हो जाएं जिस तरह से राहुल गांधी खड़े हुए हैं और राहुल गांधी भी दीन के साथ जो खड़े हुए हैं वो उनका बार बार ये टेस्ट लेते रहते हैं इनकी परीक्षा लेते रहते हैं उस परीक्षा में जब तक ये खड़े नहीं उतरेंगे पूरी तरह से तब तक दीन इनको पूरी तरह से सहायता नहीं करेगा तो ये कहने का कि आपने स्कॉलरशिप दे दी आपने कॉलेजेस खोल दिए आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना दिए आपने उनको इंजीनियर बना दिया आपने उनको डॉक्टर बना दिया आपने उनको जो है बहुत पढ़ाई लिखाई करवा दी आपने उनकी माली हालत सुधरवा दी इससे आपने उनके मकान बनवा दिए इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि इससे दीन थोड़ी बढ़ा इससे तो जो बंदा है यानी जो इंडिविजुअल है वो बढ़ गया उससे तो दीन का नुकसान होता है इसलिए मोदी जी आप ये समझिए कि अभी आपका ये मामला जो है वो पूरी तरह से अधूरा है आप जो है वो पूरी तरह से जो है वो दीन के हिसाब से चलेंगे तभी हज़रत तो वैसी जो है वो आपको किसी भी तरह की नेमत बख्शाएँगे और आपकी कोई तारीफ़ करेंगे वरना ये सारी बातें फिजूल हैं तो मेरा तो ये सुझाव है कि चूँकि इससे दीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और इससे जो लोग जो हैं वैसे भी आपको वोट नहीं देने वाले हिंदू और इससे रुष्ट होते हैं तो इसको भी समाप्त ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है